कई घरों में मुख्य दरवाजे के ऊपर या घर के मंदिर में श्री यंत्र रखा जाता है। शास्त्रों ने इसे लक्ष्मी का रूप भी माना है, लेकिन श्री यंत्र रखने के कुछ और कारण भी हैं। आम तौर पर यह दो तरह का होता है, एक पिरामिड के आकार में, दूसरा पिरामिड जैसी डिजाइन का तांबे की प्लेट पर बना यंत्र। इसके धार्मिक कारण के साथ इसकी आकृति के कारण इसका महत्व ज़्यादा होता है। कई त्रिकोणों से मिलकर इसकी आकृति पिरामिड जैसी ही होती है, जो अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता फैलाती है। मिस्र में बनाए गए पिरामिड भी श्री यंत्र से प्रेरित माने जाते हैं। वास्तु विज्ञान मानता है कि इनका तिकोना आकार आकाशीय सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है, इससे इसके आसपास काफ़ी अच्छा वातावरण होता है। अक्सर घरों में लोग धन प्राप्ति के लिए श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन उनको इससे जुड़ा कोई फायदा नहीं होता। इसका ये अर्थ नहीं होता कि श्री यंत्र में कोई दोष है। संभव है कि इसको रखने के नियम के बारे में जानकारी नहीं होने से लोग इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। हमारे ग्रंथों ने श्री यंत्र को साक्षात लक्ष्मी ही माना है। श्री यंत्र बहुत प्रभावी माना गया है। अगर पूरी विधि विधान से उसकी स्थापना ना की जाए और उससे जुड़े नियम ना रखे जाएं, तो कभी उसका लाभ नहीं मिलता है। अगर आप भी घर में श्री यंत्र रखते हैं या रखने का विचार कर रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों को जान लेना चाहिए। ज्योतिष ग्रंथ यंत्रम में से इसे कई नियम और सावधानियां बताई है। बिना इन नियमों के कभी भी श्री यंत्र से हमें वो फायदे नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए घर में उसकी स्थापना की होगी। श्री यंत्र को लेकर कई तरह के भ्रम भी हैं। लोग घरों में कई तरह के यंत्र श्री यंत्र के नाम पर रख लेते हैं, तो आप भी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर श्री यंत्र की स्थापना करें। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।